वेलकम टू अवर चैनल 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं यश सैनी बीएससी सेकंड ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। पिछली क्लास में हमने परिपथ के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में डिस्कस किया था कि हम परिपथ को कैसे बनाते हैं, है ना, और स्रोतों के बारे में पढ़ा था, अवयवों के बारे में पढ़ा था, ठीक है। कई परिभाषा हम पढ़ चुके थे पिछली क्लास में, अब हम उसके आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। एक परिभाषा हम इसमें पढ़ते हैं किसकी, पाश की, या हम इसे क्या बोलते हैं, लूप। किसकी पढ़ते हैं हम, लूप, या फिर हम पढ़ते हैं क्या, मैश क्या होता है, पास क्या होता है, या लूप क्या होता है। तो देखो इसको कैसे समझा सकते हैं। देखो मैंने एक क्या बनाया, ये जाल बनाया। जाल किससे मिलकर बना होता है, अवयवों से मिलकर बना होता है, ठीक है। जाल किससे मिलकर बना होता है, अवयवों से मिलकर बना होता है। तो ये देखो मैंने क्या जोड़ दिए, अवयव जोड़ दिए। ये क्या जोड़ दिए हमने, क्या संयोजित कर दिए, अवयव। प्रतिरोध अवयव होता है, इसका नाम R1, ये R2, ये R3 और ये R4, ठीक है। यहाँ जो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे ना, जितने भी जाल बनाएंगे, परिपथ बनाएंगे, वो अधिकतर हम किससे बनाएंगे, केवल प्रतिरोध से बनाएंगे। किसके संयोजन से मिलकर बना होगा, केवल प्रतिरोधों के संयोजन से मिला होगा, ठीक है। तो देखो इसमें मैं अगर ये स्रोत लगा देता हूँ, ये स्रोत क्या है हमारे पास, बैटरी है, है ना, और इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये इसमें अगर धारा प्रवाहित होती है तो ये क्या कहलाता है, विद्युत परिपथ कहलाता है। ये हम कल पढ़ चुके थे। अब देखो हम इसमें ये समझाना चाह रहे हैं कि पास क्या होता है और लूप क्या होता है। तो देखो इसकी क्या परिभाषा होती है कि किसी परिपथ में, समझना इसको, किसी परिपथ में, तो ये हमने परिपथ बना लिया जो प्रतिरोध और किससे जुड़ा हुआ है, स्रोत से। किसी परिपथ में धारा का वह बंद पथ, ठीक है, किसका, धारा का वह बंद पथ जो कुछ शाखाओं से मिलकर बना होता है, जो कुछ शाखाओं से क्या होता है, मिलकर बना होता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, लूप कहलाता है, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास क्या है, सेल है ये हमारे पास। इस सेल से हमारे पास क्या निकलती है, धारा। मान लो कितना करंट या धारा आ रही है, आई आ रही है, आ रही है। और ये धारा जब इस बिंदु पर आएगी, कितने भागों में बटेगी, दो, यहाँ गई, मान लो आई का कुछ भाग आ गया I1, कुछ यहाँ आ गया I2। जैसे 5 एम्पियर की धारा आ रही थी, 2 एम्पियर की इधर चली गई, 3 एम्पियर की इधर चली गई। अब ये I1 आ रहा है तो यहाँ पर इस बिंदु पर ये फिर 2 भागों में बट गई, यहाँ मान लो कितनी चली गई, I3 चली गई, और यहाँ कितनी हो गई, I4 चली गई। अब इसमें पूरे में क्या बह रही है हमारे पास, धारा बह रही है। क्या बह रही है, धारा। अब देखो लूप को सीधा पहचान सकते हैं, क्या होते हैं लूप, जैसे ये जो हमारे पास, देखो आप ये बंद पथ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ये, और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही, इसे हम क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं, लूप। फर्स्ट ये शाखाओं से मिलकर बना होता है, ये शाखाएं होती हैं जो हमने कल पढ़ा था, हमने कल पढ़ा था ना। अब देखो ये भी एक बंद है, आप बंद पथ देख लो, ये भी एक बंद पथ है, ये जो अवयवों से मिलकर बना होता है, ये देखो ऐसे शाखा ही तो है ये शाखा, ये शाखा, ये शाखा, तो ये बंद पथ बन रहा है या नहीं बन रहा, बन रहा है। तो ये हमारे पास कौन सा लूप होता है, दूसरा लूप होता है, है ना। और एक ये लूप हो गया, ये बंद पथ बन रहा है पूरा, ये क्या हो गया हमारे पास, लूप, तीसरा हो गया हमारे पास।
तो लूप कैसे पहचानो, देखो एक और हम बनाते हैं, ये प्रतिरोध ले लिया, ये दूसरा प्रतिरोध ले लिया, ये यहाँ एक और जोड़ दिया हमने, यहाँ जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया। अब इसमें कितने लूप है कैसे पहचानेंगे हम, बंद पथ देख लो कितने हैं। तो देखो इसमें हम दो पहचान सकते हैं, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये शाखाओं से मिलकर बना है, ये देखो बंद हो गया ना, तो ये क्या कहलाते हैं हमारे पास, लूप कहलाते हैं। ठीक है, इसके आगे का जब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उससे पहले हम ने बहुत बार पढ़ा है क्या ओम का नियम, वो और देख लेते हैं ओम का नियम क्या होता है। ठीक है, किसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम, ओम के नियम के बारे में कि ओम का नियम क्या होता है, क्योंकि ये बहुत काम में आने लाना आने वाला है, ओम का नियम, ओम्स लॉ, ये बहुत काम में आने वाला है इलेक्ट्रॉनिक्स में, प्रत्येक यूनिट में, हर यूनिट में ये काम में आएगा ओम्स लॉ, है ना। तो देखो इसको कैसे समझा सकते हैं, मान लो आपके पास एक क्या है, चालक है, क्या है हमारे पास, चालक है। इस चालक को मैंने किससे जोड़ दिया, एक सेल से जोड़ दिया, किससे जोड़ दिया, सेल से। ये सेल का क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये क्या होता है, नेगेटिव, धन, और ये क्या होता है, ऋण, और ये मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया। अब ये क्या है हमारे पास, चालक है, ये क्या है हमारे पास, चालक है, और इस चालक को हमने किससे जोड़ दिया, एक सेल से जोड़ दिया। इस सेल की जो वोल्टता है ना, वो मैंने मान ली कितनी वोल्ट है, वी वोल्ट है, जैसे 10 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, ये क्या है हमारे पास, वोल्टता है। ठीक है, अब देखो ये पॉजिटिव जो सिरा होता है ना, ये किससे जुड़ा हुआ है, आप देखो यहाँ पर इस चीज से जुड़ा हुआ है हमारे पास यहाँ पर, और ये नेगेटिव जो है हमारे पास वो चालक के यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो ये जो पूरा का पूरा हमारे पास वी वोल्ट है, वो किस पर जा रहा है, किस पर जा रहा है हमारे पास, चालक पर जा रहा है। ठीक है, किस पर जा रहा है हमारे पास ये वी वोल्ट, चालक पर जा रहा है। वी विभवांतर जिसे हम बोलते हैं, ये किस पर आरोपित हो रहा है, चालक पर हो रहा है। इस विभवांतर के कारण इस चालक में क्या प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है, क्या प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है, करंट फ्लो होता है। और ओम्स लॉ क्या कहता है हमारे पास, कि ये जो जितना हमने विभवांतर आरोपित किया है, पोटेंशियल डिफरेंस है जितना, क्या वी वो प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास, समानुपाती होता है किसके, आई के, करंट के। यानी कि इस पर जितना विभवांतर हमने लगाया है वी, इस चालक में प्रवाहित धारा, मान लो इस चालक में कितनी प्रवाहित हो रही है धारा आई, इसके क्या होता है, समानुपाती होता है, अर्थात वी समानुपाती क्या, आई, विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। और प्रोपोर्शनल का हम जब चिन्ह हटाते हैं तो वी बराबर एक कांस्टेंट लगाते, समानुपाती नियतांक लगाते, वी बराबर से क्या, आर आई, जहां आर क्या कहलाता है हमारे पास, चालक का प्रतिरोध कहलाता है। ये कौन सा नियम होता है हमारे पास, ओम्स लॉ होता है, क्या वी बराबर से आर आई, आगे ये बहुत काम में आने वाला है, वी बराबर आई आर होता है। वी क्या होता है, विभवांतर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, आर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, और आई क्या होती है हमारे पास, करंट होती है, और क्या होती है, धारा होती है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया हमारे पास, ओम्स लॉ हो गया। इसके बाद हम किसकी बात करते हैं, देखो किरचॉफ के नियम की, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत काम में आएगा ये इस यूनिट में, किरचॉफ के नियम, किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स
किरचॉफ के नियम, किरचॉफ्स लॉ। क्या होता है किरचॉफ के नियम? किरचॉफ ने दो नियम दिए हैं हमारे पास। किरचॉफ वैज्ञानिक था जिसने हमारे पास कितने लो दिए हैं, नियम दिए हैं, दो दिए हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ, इसे हम बोलते हैं धारा का नियम भी बोलते हैं, करंट लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे? करंट्स लॉ भी बोलते हैं। किरचॉफ के प्रथम नियम को हम क्या बोलते हैं? करंट लॉ अर्थात धारा का नियम भी बोलते हैं। ये क्या कहता है हमारे पास? किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है? देखो समझना ना, फिर हम डेफिनेशन लिखेंगे हम इसकी, या फिर हम पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर समझते हैं। देखो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है कि किसी संधि या नोड पर, यानी हम सबसे पहले किरचॉफ का अगर फर्स्ट लॉ लगाएंगे तो क्या लेंगे? संधि लेंगे, या फिर हम लोग क्या लेंगे? नोड लेंगे। एक ही बात है, किसी संधि या नोड पर कुल विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। किसी संधि या नोड पर कुल विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएंगे ना, योग शून्य होता है जो धारा नोड की ओर आती है। ध्यान से सुनना, जो धारा नोड की ओर आती है उसे धनात्मक, यानी पॉजिटिव से व्यक्त करते हैं, धनात्मक। वह जो धारा नोड से दूर जाती है उसे हम क्या लेते हैं? ऋणात्मक लेते हैं। उसे क्या लेते हैं हम? ऋणात्मक लेते हैं। यही हमारे पास किरचॉफ का क्या होता है? प्रथम नियम होता है। समझना, देखो सबसे पहले मैंने क्या ले लिया? ये हमारे पास एक संधि और नोड है। अब देखो इस पर हमारे पास एक तार लगा हुआ है। मान लो यहाँ से कितनी धारा अंदर आ रही है, इस बिंदु पर I1 आ रही है, ठीक है। एक तार मैंने यहाँ लगा रखा है, मान लो I2 धारा कहाँ जा रही है? बाहर जा रही है। एक धारा हमारे पास I3 भी कहाँ जा रही है? बाहर जा रही है। I4 कहाँ आ रही है? अंदर आ रही है। I5 कहाँ आ रही है हमारे पास? अंदर आ रही है। अब लगाते कैसे हैं किरचॉफ का प्रथम नियम? देखो किसी संधि या नोड पर, ये संधि या नोड है, पर कुल विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब सारी धाराओं को जोड़ देंगे और किसके बराबर कर देंगे हम? जीरो के बराबर कर देंगे। इसमें एक कंडीशन और लगा रही है, जो धारा नोड की ओर आती है उसे तो धनात्मक, और जो धारा नोड से दूर जाती है उसे क्या लेंगे हम? ऋणात्मक लेंगे। देखो I1 जो है, आप देखो कहाँ आ रही है? नोड की ओर आ रही है। आ रही है नहीं आ रही? तो I1 हम लिखते हैं क्या? I1 कैसी होगी हमारे पास? धनात्मक होगी। I1 क्या होगी? धनात्मक होगी। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? बीजगणितीय योग करते हैं, यानी कि जोड़ेंगे। फिर I2 देखो, I2 कहाँ जा रही है? बाहर की ओर। तो I2 लिखेंगे, लेकिन I2 हमारे पास कैसी होगी? नेगेटिव होगी। I2 कैसी होगी हमारे पास? नेगेटिव होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये क्या कर रही है? बाहर की ओर जा रही है। फिर हम लिखते हैं क्या? प्लस। अब देखो I3 कहाँ जा रही है? बाहर की ओर तरफ जा रही है। नोड से कहाँ जा रही है? बाहर जा रही है। तो कैसी लेंगे? नेगेटिव लेंगे। माइनस क्या? I3।
फिर देखो I4 कहाँ आ रही है, अंदर की ओर आ रही है, प्लस करेंगे I4 तो कैसी आएगी, पॉजिटिव। I5 कैसी आ रही है, अंदर की ओर आ रही है, तो ये भी हम कैसी लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। कुल धाराओं को हमने जोड़ दिया और किसके बराबर कर दिया, हमने जीरो के बराबर कर दिया। यही हमारे पास कौन सा नियम है, किरचॉफ का प्रथम नियम है। यही कौन सा नियम है हमारे पास, किरचॉफ का प्रथम नियम है। अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I1 minus I2 minus I3 plus I4 plus I5 बराबर से 0। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, summation i बराबर क्या 0। समेशन का मतलब क्या होता है, पहले I1 आएगी, फिर समेशन का मतलब क्या होता है प्लस, फिर I का मान बढ़ेगा क्या, I2 plus I3 plus I4, सारी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें किरचॉफ का कौन सा नियम समझाते हैं, प्रथम नियम समझाते हैं। अब देखो इसमें हम अगर विद्युत परिपथ की बात करें, देखो विद्युत परिपथ की बात करें, मान लो ये हमारे पास क्या है, सेल है, और इस सेल का जो विभवांतर है ना, वो विभवांतर मान लो कितना है, वी है, इसकी वोल्टता कितनी है, वी है। यहाँ हमारे पास एक प्रतिरोध लग रहा है, मान लो क्या लग रहा है, R1। यहाँ हमारे पास प्रतिरोध लग रहा है क्या, R2। और यहाँ हमारे पास लग रहा है, हमारे पास R3 लग रहा है। क्लियर है ये बात। अब मैंने आपको बताया था सेल से क्या निकलती है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होता है, धारा आती है, ये धारा मान लो कितनी आ रही है, आई आ रही है, और इस पॉइंट पर आकर ये धारा बट जाती है हमारे पास, मान लो यहाँ कितनी गई I1 और यहाँ कितनी गई I2। ये तो हमेशा ध्यान रखना है, 10 एम्पियर आ रही है तो यहाँ जाके बट जाएगी, मान लो 3 एम्पियर इधर चली गई, 7 एम्पियर इधर चली गई। ठीक है, अब देखो यहाँ हम, मैंने डिनोट कर दिया इसको बिंदु ए से। अब ये आपका क्या है, नोड है, क्या है, नोड है। और अब मैंने आपको कहा कि यहां पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाओ, इसे हम क्या और बोलते हैं, KCL, किरचॉफ करंट लॉ। तो अगर आपको यहां पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, जिस भी नोड पर, ये वही नोड है, बस ये यहां देख रहे हैं विद्युत परिपथ में, इस नोड पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाना है। तो कुल धाराओं को जोड़ दो जो जो इस नोड पर आ रही है। देखो इस नोड पर ये धारा आ रही है I, अंदर की ओर आ रही है, बाहर की ओर आ रही है, अंदर की ओर आ रही है, तो इसे कैसा लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे, लिख दिया I। फिर इस बिंदु पर देखो आप, धारा बाहर कौन कौन सी जा रही है, I1 बाहर जा रही है और I2 भी बाहर जा रही है। जो धाराएं बाहर जाती है, नोड से दूर जाती है हमारे पास, उसे कैसे लेते हैं हम, ऋणात्मक, I minus I1 minus I2 बराबर 0। I पॉजिटिव क्यों लिया, अंदर की ओर, I1 और I2 नेगेटिव क्यों लिया, बाहर की ओर, और कुल धाराओं का योग किसके बराबर होगा हमारे पास, 0 के बराबर होगा। यही कौन सा नियम है हमारे पास, किरचॉफ का प्रथम नियम है। ठीक है, तो ये बहुत काम में आता है हमारे पास, किसमें, न्यूमेरिकल में। इसके बाद किरचॉफ के प्रथम नियम पढ़ने के बाद हम किरचॉफ का कौन सा नियम पढ़ते हैं, द्वितीय नियम पढ़ते हैं। एक एक चीज ध्यान से सुनना ना, ये सारी पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स में काम में आएगी है। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम पढ़ने से पहले हम कुछ नियम देखते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास किरचॉफ के द्वितीय नियम को समझने के लिए काम में आते हैं। तो ये याद रखना, जब हम किरचॉफ का नियम पढ़ेंगे, दूसरा नियम पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए ना। देखो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, पहली बात क्या, इसे हम नोट करके भी समझ सकते हैं ना। पहली बात, ये हमारे पास एक क्या है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, क्या है ये हमारे पास, एक सेल है। ये सिरा हम
ए लेते हैं और ये सिरा क्या ले लेते हैं बी, और इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी जो वोल्टता है ना, वो कितनी है वी है। इसकी जो वोल्टता है हमारे पास वो कितनी है वी है, ठीक है। दूसरा ये देखो, इस तरीके का बना देता हूँ मैं, नेगेटिव तो पहले लिख देता हूँ और पॉजिटिव कहाँ लिखता हूँ बाद में, और इसका नाम वही ए और इसका नाम बी, ठीक है। नोट करके लिखना है, किरचॉफ का जब हम दूसरा नियम सोल्व करेंगे समझाएंगे तो उनमें ये चीज़ें क्या आएंगी, काम में आएगी। अब देखो हम पहले वाले पर आ रहे हैं क्या, कि मैं ए से कहाँ जा रहा हूँ बी की ओर, ए से बी की ओर चलने पर कहाँ जा रहे हैं हम, ए से बी की ओर, ए से बी की ओर चलने पर कौन सा चिन्ह आए, पॉजिटिव चिन्ह आए, धनात्मक चिन्ह आए, है ना। तो ये जो V होता है ना, V V क्या है हमारे पास, वोल्टता होती है आए, तो जो वोल्टता होती है ना हमारे पास वो हम कैसी लेते हैं, V कैसी लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, कैसी लेते हैं हम, पॉजिटिव लेते हैं। अब देखो सेकंड वाले में देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ से यहाँ चल रहे हैं और ये पहले, मैं ए से चलकर जा रहा हूँ कहाँ पर, बी की ओर, ए से चलते हुए कहाँ जा रहे हैं हम, बी की ओर, और कौन सा चिन्ह आ रहा है पहले, पॉजिटिव, तो ये वी कैसा लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे, ध्यान रखना ये न्यूमेरिकल में काम आएगा, वी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर हम ए से बी की ओर जा रहे हैं, ए से बी की ओर जाने पर या चलने पर, ए से बी की ओर चलने पर कौन सा चिन्ह आए पहले, ऋण चिन्ह आए, ऋण यानी कि नेगेटिव चिन्ह आए, तो आपको क्या करना है, आपसे पूछा जाए सेल की वोल्टता क्या है, अब आप कैसे चल रहे हो, वही ए से बी की ओर चल रहे हो, कैसे चल रहे हो, ए से बी की ओर ऐसे जा रहे हो, इसका वैल्यू अगर कितना है वी है, तो आप क्या पढ़ोगे, आप जब ए से बी की ओर जाओगे तो हम पढ़ेंगे इसकी वोल्टा कितनी है, माइनस वी है, क्लियर है, इसकी वोल्टा कितनी है हमारे पास, माइनस वी है। तीसरा आप सुनो कि आपके पास मान लो एक क्या है, प्रतिरोध है जिसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, आर है, एक प्रतिरोध है जिसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, आर है, और ये है आपके पास ए बिंदु और ये है बिंदु बी, ठीक है। इस प्रतिरोध में मान लो धारा जो है वो हमारे पास आई बह रही है, कितनी बह रही है, आई, धारा कितनी बह रही है, आई बह रही है। अब हम कहाँ से कहाँ चल रहे हैं, ए से बी की ओर, ए से बी की ओर, धारा की दिशा में चल रहे हैं या नहीं चल रहे, देखो धारा भी इसी दिशा में जाएगी और हम भी ए से बी की ओर जा रहे हैं, ए से बी की ओर धारा की दिशा में चलने पर, धारा की दिशा में चलने पर क्या वोल्टता क्या होगी, वोल्टता V बराबर, अब देखो यहाँ धारा I है और यहाँ प्रतिरोध R है, अब धारा ऐसे बह रही है प्रतिरोध में और हम भी A से B की ओर जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर विभवांतर आपको चाहिए तो ओम का नियम लगाओ, क्या कहता है ओम का नियम, V बराबर IR, तो इस प्रतिरोध के सापेक्ष विभवांतर कितना होगा,
आई आर होगा, और आई आर कैसा होगा हमारे पास, पॉजिटिव होगा। ध्यान रखना, जब विद्युत परिपथ में हम ऐसे बी की ओर चलेंगे, धारा इस दिशा में बह रही है, हम भी इसी दिशा में चल रहे हैं, तो हमारे पास विभवांतर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। फोर्थ नियम क्या कहता है हमारे पास, कि ये हमारे पास क्या है, प्रतिरोध है, ये ए बिंदु, ये बी बिंदु। अब धारा इधर से आ रही है, कोई सेल या बैटरी लग रही होगी तभी धारा आ रही हुई है ना, धारा इधर से आ रही है। और मैं कह रहा हूँ कि हम ए से बी की ओर चल रहे हैं, ए से कहाँ चल रहे हैं हम, बी की ओर, यानी कि कैसे, धारा के विपरीत, धारा के क्या, विपरीत चलने पर, धारा के क्या, विपरीत चलने पर, धारा के क्या चल रहे हैं हम, विपरीत, धारा ऐसे आ रही है, हम ऐसे जा रहे हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए भाई इसका विभवांतर क्या होगा चलने पर, वोल्टता आप कैसे देखोगे, इस प्रतिरोध पर विभवांतर या वोल्टता क्या होगी, V बराबर से, तो देखो जब धारा ऐसे आ रही है आप ऐसे जा रहे हो, तो ओम का नियम लगाओगे, प्रतिरोध के लिए ओम का नियम लगेगा, V बराबर IR, और कैसा होगा ये हमारे पास, वोल्टता ऋणात्मक होगी। वोल्टता कैसी होगी हमारे पास, ऋणात्मक होगी, यानी विभवांतर क्या होगा, V बराबर IR कैसा, नेगेटिव। तो ये जो हमारे पास चार नियम हैं, इन नियमों की सहायता से हम किरचॉफ के द्वितीय नियम को समझते हैं, ये चिन्ह परिपाटी कहलाते हैं, ये नोट में लिखना हमें, ये क्या कहलाते हैं हमारे पास, चिन्ह परिपाटी कहलाते हैं। किरचॉफ का जब हम द्वितीय नियम पढ़ेंगे, सेकंड लॉ पढ़ेंगे हम, तो हम इन चीज़ों को क्या करेंगे, काम में लेंगे। फिर सुन लो, ए से बी जा रहे हैं, ए से बी चल रहे हैं, पहले क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो आप वी हमेशा कैसा मानोगे, पॉजिटिव मानोगे। अभी यही याद रखना है, अप्लाई हम कल की क्लास में करेंगे, है ना। यदि आप ए से बी की ओर जा रहे हो और पहले क्या आ रहा है, आप ऐसे चल रहे हो, ऐसे जा रहे हो, आपको बस ऐसे ही जाना है, यही याद रखना है, ए से बी ऐसे जा रहे हैं, पहले कौन सा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो वी कैसा लोगे आप, नेगेटिव लोगे। तीसरी बात, ये प्रतिरोध है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, धारा ऐसे बहती हुई जा रही है, भाई हम धारा की दिशा में चलते जा रहे हैं, कैसे चलते जा रहे हैं, धारा की दिशा में ही हम चलते जा रहे हैं, तो इसके सापेक्ष जो विभवांतर होगा प्रतिरोध के सापेक्ष, वो ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR, IR तो होगा लेकिन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। फिर ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध के सापेक्ष विभवांतर, अगर धारा IR, ये प्रतिरोध आ रहा है, तो V बराबर IR, लेकिन दिशा कैसे देखेंगे हम, धारा तो देखो कहाँ से आ रही है, ऐसे आ रही है, और हम कैसे चल रहे हैं, विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो विभवांतर V बराबर से माइनस IR होगा। तो ऐसे हम क्या याद रखेंगे, चिन्ह परिपाटी याद रखेंगे, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना, ये सारे के सारे नियम अच्छे से देख लीजिएगा, ताकि हम कल फिर क्या करेंगे, इस पे न्यूमेरिकल कर पढ़ेंगे और किरचॉफ का दूसरा नियम पढ़ेंगे हम। आज के लिए इतना, धन्यवाद।